हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अलमा। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लहंगे की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सेम लहंगा अमेजोन से बाय किया है, सेम ही लहंगा मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके फ्रेंड्स, पहले हम करते हैं अमेजोन से आई हुई ड्रेस का अनबॉक्सिंग जो कि लहंगा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे ये कुछ इस तरह के पैकेट में रिसीव हुआ है एंड ये इसका बिल है, हम इसको रखते हैं साइड में। तो ये तो है इसका लहंगा। देन इसका है ब्लाउज का फैब्रिक, ये इसमें ब्लाउज का फैब्रिक रिसीव हुआ है हमें इसमें। और थर्ड इसका दुपट्टा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इसका लहंगा है। देन ये ब्लाउज या कुर्ती का फैब्रिक है। देन इसके साथ यही है दुपट्टा। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ये डिफेक्ट आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें डिफेक्ट है। एंड देन जो नेक का ये वर्क है, ये फिनिशिंग नहीं हो रही है इस वर्क में। और जो हमें पिक में दिखाया गया है वो ये डिज़ाइन दोनों और है, बट इसमें वन साइड दी गई है। एंड जो नेक है ये भी डिफरेंट है जो पिक दिखाई गई है उससे। ओके, तो ये था इसका कुर्ती। देन आते हैं हम दुपट्टे पे। तो ये है। देन मैं इसके आपको लाइनिंग दिखा देती हूँ, इसके अंदर क्या लाइनिंग दी हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इतनी सी लगभग 1 मीटर के लगभग के अंदर की लाइनिंग है। अगर टोटल घेरा लिया जाए तो ओनली ऑन 2 मीटर के लगभग, आई थिंक 2 मीटर भी नहीं है, बहुत कम घेरा है। सो जैसा कि आपने अभी देखा अमेजोन से आए हुए लहंगे की अनबॉक्सिंग, सो आपने एक तरह से उसका ओवरव्यू तो ले ही लिया है। सो अब मैं आपको बताती हूँ मुझे उसमें क्या मटेरियल रिसीव हुआ है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लहंगे की। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास लहंगा। सो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फैब्रिक की। सो इसका जो फैब्रिक है बेंगलोरी सिल्क पे है, थोड़ा मैट फिनिश पे फैब्रिक है इसका। ओके, तो ये हुई फैब्रिक की बात। देना आते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी पर। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसकी एम्ब्रॉयडरी में मुझे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं लगी। हाँ, जो इसका डिज़ाइन है सेम उसी तरीके का जैसा कि पिक में दिखाया गया है, बट इसकी अगर आप फिनिशिंग देखें या क्वालिटी देखें तो इसकी क्वालिटी में कुछ भी अच्छी नहीं है इसकी क्वालिटी। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्वालिटी वाइज। सो ये था हमारा एम्ब्रॉयडरी का। देन हम आते हैं इसके लाइनिंग के फैब्रिक पर। इसका जो लाइनिंग का फैब्रिक है बहुत कम है, ओनली एस या एम वालों के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप एल या एक्सएल हो तो आपको इसमें लाइनिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो ये था लाइनिंग का। देन हम आते हैं इसके घेरे के ऊपर। तो इसका जो घेरे का पूरा घेरे का अगर मैं उसकी लेंथ बताऊँ तो इसकी पूरे घेरे की है 2.50 मीटर। एंड जो इसकी कली की बात करें तो ये टोटल 8 कलियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये था हमारा लहंगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट टाइम आते हैं इसकी कुर्ती के फैब्रिक पर। कुर्ती का फैब्रिक सेम वही है जैसे कि लहंगे का फैब्रिक है, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड मैं आपको उसको क्लोजली दिखा देती हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें थोड़ी सी कुर्ती मुझे डिफेक्ट मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि अगर आप ये देख पा रहे हैं इतना लंबा इसमें फैब्रिक में डिफेक्ट है ये चीज़। देन हम इसके एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं कुर्ती की। तो अगेन ये क्वालिटी मेंटेन नहीं की हुई है इसके अंदर।
इसकी बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं है एम्ब्रॉयडरी की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है एम्ब्रॉयडरी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम इसके वर्क के, तो जो पिक में दिखाया गया है सेम यही फ्लावर इस साइड भी होना चाहिए था, बट इसमें ओनली ऑन एक साइड ही फ्लावर दिया गया है। एंड हम इसके फैब्रिक की बात करते हैं, हमें कितना फैब्रिक दिया गया है ब्लाउज़ के लिए, तो ये अप्रोक्सीमेट आधे मीटर के लगभग आपको ब्लाउज़ का फैब्रिक दिया गया है। एंड ये स्लीव्स के लिए आपको बॉर्डर दी गई है, आप चाहें तो इसको स्लीव्स में लगा सकते हैं। सो ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक। देन हम आते हैं इसके दुपट्टे के ऊपर। सो इसके दुपट्टे के मटेरियल की बात करते हैं हम पहले। सो इसके दुपट्टे का जो मटेरियल है ये नेट पर है एंड शाइनिंग वाली शिमरी नेट है ये। सो ये इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ की बात करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वही 2.25 मीटर की लेंथ है इसकी। देन इसकी विड्थ की बात करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के लगभग की है। सो ये था इसका दुपट्टा। तो नेक्स्ट हम आते हैं फ्लिपकार्ट के लहंगे पे, तो हम सबसे पहले उसकी देखेंगे अनबॉक्सिंग। तो चलिए नेक्स्ट है मेरे पास फ्लिपकार्ट से आया हुआ लहंगा, तो करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये मुझे कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ है और इसको हम ओपन करते हैं। तो पहले की तरह चेक करते हैं हम इसमें कितने पार्ट कितने पीसेस रिसीव हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास ये लहंगा, देन है इसका दुपट्टा। नेक्स्ट हम इसकी इसका ब्लाउज। तो ये रिसीव हुआ हमें इसका ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज का फैब्रिक है कुर्ती, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये है इसका लहंगा, देन ये इसकी कुर्ती एंड दिस इज अ दुपट्टा। सो जैसे कि अभी आपने देखा फ्लिपकार्ट से हुई लेंगे की अनबॉक्सिंग है, इसका ओवरव्यू, तो हम इसका क्लोजली रिव्यू करते हैं। तो फर्स्टली हम उसका स्टार्ट करते हैं लहंगे से। तो ये सेमी स्टिच्ड नहीं है, टोटली पूरा सिला हुआ है। देन हम आते हैं इसके फैब्रिक के ऊपर। सो इसका फैब्रिक कुछ अलग है, कुछ सिल्क टाइप का है, आप देख सकते हैं कुछ सिल्की टाइप है ये, बहुत स्मूद है ऊपर से, बट इसके अंदर इस टाइप का पेपर कैनवास ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, वो चिपका हुआ है पूरे फैब्रिक के ऊपर। सो ये इसका फैब्रिक है। एंड देन आते हैं हम इसके एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बट जो इसका पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो जो पिक में दी हुई है उससे डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि आपने अमेजोन से आई हुई ड्रेस का देखा होगा। बट इसकी सॉरी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो डिज़ाइन है, वो पैटर्न है, वो थोड़ा चेंज है, तो ये उसकी तरह नहीं दिख रहा है। देन हम बात करते हैं इसके घेरे की। इसका जो घेरा है, टोटल घेरा है इसका 2.25 मीटर का, और जो अमेजोन से जो ड्रेस अभी मैंने आपको दिखाई है उसका घेरा है 2.50 का, तो दोनों में डिफरेंस है। बट ये जो ये वाला जो लहंगा बना हुआ है टोटल 10 कलियों का बना हुआ है, 10 कलीज का बना हुआ है। देन हम आते हैं इसके इनर के साइड, तो जो इसका इनर है इस तरह का शिमरी फैब्रिक दिया हुआ है इसमें, तो ये भी कुछ इस तरीके का है जिससे कि आप देख पा रहे हो, तो ये कुछ शिमरी टाइप का फैब्रिक दिया हुआ है इसके लाइनिंग का इनर का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो ये ओके है, बट इसका घेरा कम है, इसके लुकिंग वाइज ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये हुआ लहंगा। नेक्स्ट हम इसकी कुर्ती के फैब्रिक पे आते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे कुर्ती के फैब्रिक में ये कपड़ा रिसीव हुआ है, ओनली सीधा का सीधा। इसमें मुझे सबसे बुरा लगा है ना, तो इसका कपड़ा बहुत कम कपड़ा दिया इन्होंने ब्लाउज़ के लिए, ओनली उन्होंने एस या एम वालों के लिए, काफ़ी सही है इसका फैब्रिक, बाकी के ये नहीं बनेगा। सॉरी तो आपकी इसकी एम्ब्रॉयडरी सकते हैं, तो इसकी एम्ब्रॉयडरी में का क्वालिटी है इसकी, मुझे एम्ब्रॉयडरी में आपको पहले ही बोल चुके हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी में क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके दोनों साइड वही फ्लावर बने हुए हैं जैसे दिखाए गए हैं, तो इसमें दोनों साइड फ्लावर हैं। एंड देन ये आपका स्लीव्स का फैब्रिक है,
इस तरीके स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ है। ये दोनों आपके स्लीव्स में बॉर्डर का काम करेंगी। सो ये स्लीव्स के लिए है। देन इन्होंने ब्लाउज के बैक के लिए अलग से फैब्रिक दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओनली इतना सा कपड़ा दिया हुआ है इन्होंने ब्लाउज के बैक के लिए, जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो, सिर्फ ये फैब्रिक दिया है। तो मुझे सबसे बेकार लगा इसका फैब्रिक जो इन्होंने बहुत कम दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके दुपट्टे पे। दुपट्टे की हम फैब्रिक की बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सॉफ्ट नेट है बट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है। एंड कलर की बात करें तो ये टोटली डिफरेंट है, जो पिक में दिखाया गया है उससे बिल्कुल डिफरेंट कलर है इसका। देन हम इसके एम्ब्रॉयडरी एंड बॉर्डर की बात करते हैं, तो इसमें चारों ओर सेम यही बॉर्डर लगी हुई है। एंड अगेन विड्थ एंड लेंथ सेम उसी के बराबर है जितनी अमेजोन से जो दुपट्टे में थी, अमेजोन से आए हुए दुपट्टे में थी। तो ये था हमारा दुपट्टे का रिव्यू। तो अब हम एक तरह से हमने दोनों का अलग अलग तो कर ही लिया, अब हम इसका डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस में सबसे पहले हम प्राइस का डिफरेंस देखते हैं। तो जो मैंने अमेज़ोन से जो ड्रेस मंगवाई है उसका प्राइस है 1090 रुपीज़, एंड जो मैंने फ्लिपकार्ट से जो ड्रेस मंगाई है उसकी प्राइस है 1250 रुपीज़। तो दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट 150 के लगभग का डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं हम इनके फैब्रिक पे। दोनों ही ड्रेस का फैब्रिक टोटली डिफरेंट है दोनों का फैब्रिक। नेक्स्ट आते हैं इसके लाइनिंग पे। तो लाइनिंग का फैब्रिक भी अगेन टोटली डिफरेंट है दोनों का। घेरे की बात करें तो घेरे में भी बहुत डिफरेंट है। अमेजोन से जो ड्रेस मैंने बाय की है उसका घेरा है 2.50 मीटर, एंड जो फ्लिपकार्ट की ड्रेस है तो उसका घेरा है 2.25 मीटर। तो दोनों के घेरे में डिफरेंस है, लाइनिंग में डिफरेंस है दोनों के। देन हम आते हैं एम्ब्रॉयडरी पर। तो एम्ब्रॉयडरी में दोनों की एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइन पैटर्न में टोटली डिफरेंस है। अमेजोन से जो लहंगा है उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है लुकिंग वाइज तो सेम फोटो की तरह है, लेकिन जो उसकी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी है वो उसमें मेंटेन नहीं की गई, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं है एम्ब्रॉयडरी में। देन हम आते हैं फ्लिपकार्ट की एम्ब्रॉयडरी पर। तो उसकी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, बट जो डिज़ाइन है पैटर्न है टोटली डिफरेंट है जो डिज़ाइन बताई गई है उससे। तो ये तो हो गई और एम्ब्रॉयडरी। देन हम आते हैं कुर्ती के फैब्रिक पे। कुर्ती के फैब्रिक में अमेजोन से जो फैब्रिक रिसीव हुआ है वो अप्रोक्सीमेट आधा मीटर है या उससे ज़्यादा ही है, आधा मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है। वो फैब्रिक है, एंड उसकी अगेन एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं तो उसमें एम्ब्रॉयडरी में कोई फिनिशिंग नहीं है। ये बात हो गई। देन हम आते हैं फ्लिपकार्ट के जो ब्लाउज का कपड़ा हमें रिसीव हुआ है, एम्ब्रॉयडरी उसकी ऑसम है लेकिन जो फैब्रिक हमें रिसीव हुआ है वो बहुत कम है, ब्लाउज के अकॉर्डिंग बहुत कम फैब्रिक रिसीव हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं दुपट्टे पे। दोनों के दुपट्टे में मटेरियल में तो डिफरेंस है ही सही, क्योंकि एक में काफ़ी अच्छा दुपट्टा है और एक में ज़्यादा अच्छा कुछ मटेरियल नहीं है। देन कलर में भी डिफरेंट है एंड उसकी बॉर्डर में भी डिफरेंस है, तो टोटली डिफरेंट है। जो दोनों साइड से जो ड्रेस आई है वो अपनी अपनी जगह पर अलग है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, कहीं भी मैच नहीं है। अब दोनों में से अच्छी की बात की जाए तो मुझे दोनों में से बेटर अमेजोन वाली लगी, हालांकि वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी लाइनिंग वाली, बट अगर दोनों में से मुझे चूज करना है तो मुझे अमेजोन वाली ज़्यादा बेटर लगी। ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।